शालकराम जी को क्या भोग लगाए क्या भोग नहीं लगाए। शालकराम जी को विष्णु जी का स्थान दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि शालकराम जी शिला के रूप में होते हैं। इनकी पूजा के दौरान इनको क्या भोग लगाएं क्या नहीं लगाएं आओ जाने। तुलसी, बिना तुलसी के भोग के शालकराम जी की पूजा अधूरी है और तुलसी अर्पित करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। हर रोज की पूजा में श्री शालकराम जी को स्नान कराकर चंदन लगाकर तुलसी दल अर्पित करना और चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। पंचामृत, शालकराम जी को अर्पित किया हुआ पंचामृत प्रसाद के रूप में सेवन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पंचामृत में दूध दही शहद गुड़ गंगा जल तुलसी जरूर डालें। जल, शालकराम जी को यदि जल अर्पित करते हैं तो अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जल तो भोग के साथ जरूर रखें। गुड़ या मिश्री का भोग मीठा जीवन में मिठास खोलता है, इसलिए शालकराम जी को गुड़ या मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। तिल्ली, तुलसी के साथ तिल्ली मतलब तिल का भोग अवश्य लगाएं। इससे प्रभु प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। ऋतु फल, शालकराम जी को कोई सा फल का भोग अवश्य लगाएं। हो सके तो पीले रंग का फल का भोग लगाएं, जैसे केला। मिठाई, शालकराम जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं, जैसे बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू। शालकराम जी को भोग अवश्य लगाएं। दोपहर और शाम को जब आप भोजन करें तो पहले प्रभु शालकराम जी को भोग अवश्य लगाओ, फिर खाना खाओ। शालकराम जी को भोग के बाद जल से आचमन करें। जल में कुछ फूल डालें, एक तुलसी का पत्ता डालें और कुछ तिल के दाने डालें। इसके बाद शालकराम जी की आरती करनी है। आरती की थाली में भी थोड़े से फूल और तिल अवश्य डाल दें। शालकराम जी की पूजा में चावल बिल्कुल निषेध माने जाते हैं। जितना हो सके आप तिल्ली का प्रयोग करें। आरती के बाद जल का अग्र देना चाहिए। इसके बाद आपकी आरती पूरी हो जाती है। अंत में प्रभु को एक फूल अर्पण जरूर करें। ध्यान रखें, भोग लगाने के बाद उसको एकदम नहीं उठाएं। कुछ देर तक भोग रखा रहने दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।